शादी में खटपट की खबरों पर तोड़ी मोहित ने चुप्पी। सामने आकर खुद दिया ये बड़ा जवाब। 20 दिसंबर की सुबह से ही ये खबरें खूब वायरल हो रही हैं कि देवों के देव महादेव फिल्म एक्टर मोहित रैना और उनकी पत्नी अदिति शर्मा के बीच के रिश्तों में खटास है। ये दावे तब मजबूती से किए जाने लगे जब मोहित ने अपने इंस्टाग्राम से अपनी शादी की कुछ तस्वीरों को डिलीट कर दिया, जिसके बाद ये सवाल तक उठने लगे कि क्या दोनों शादी की पहली सालगिरह से पहले ही अलग हो चुके हैं। वहीं जैसे ही इन सब बातों के बारे में मोहित रैना को पता चला तो वो खुद भी चुप नहीं बैठ पाए। ई टाइम्स से खास बातचीत में मोहित ने इन तमाम खबरों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि ये सब झूठी खबरें हैं। वहीं मोहित ने ये भी बताया है कि वो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हैं और अपनी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोहित ने कहा, क्या बकवास है, ये अफवाहें निराधार है, मैं अभी हिमाचल प्रदेश में हूँ, हमारी पहली सालगिरह मना रहा हूँ। वहीं मोहित ने हिमाचल से इस खूबसूरत तस्वीर को भी शेयर किया है। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में बर्फ से घिरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ भी। ये तस्वीर बेहद ही खूबसूरत है और दिल को सुकून देने वाली भी है। इसके अलावा मोहित ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक तस्वीर को भी कुछ घंटे पहले ही पोस्ट किया है, जिसमें वो एक छोटी सी नदी के किनारे नजर आ रहे हैं। मोहित ने ब्लैक कलर का सूट पहना है और पीछे धूप की किरणों के साथ पहाड़ नजर आ रहे हैं। वेल, मोहित ने तो साफ साफ कह दिया है कि उनकी शादी को लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, झूठी हैं। हालांकि लोग इस वजह से भी हैरान नजर आ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो मोहित ने अपनी वाइफ अदिति के साथ की तस्वीरों को डिलीट क्यों किया है। हालांकि फैंस इस बात से भी खुश हैं कि उनके महादेव की जोड़ी बरकरार है और वो अपनी शादी की सालगिरह को खूब इंजॉय भी कर रहे हैं।